सी हिंदी, मैं हूं कुलदीप कुमार। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा था। गैंग लोगों को केबीसी की तरफ से रुपए जीतने की बात कहता था और फिर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। पुलिस के मुताबिक गैंग के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। गिरोह का सरगना पाकिस्तान से बैठकर ठगी का संचालन कर रहा था। गैंग किस तरह से लोगों को ठग रहा था, देखिए ये सावधान हो जाने वाली रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने देश में पाकिस्तान द्वारा संचालित ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को केबीसी टीवी शो में रुपए जीतने के नाम पर ठगता था। इस मामले में पुलिस ने बिहार के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान इम्तियाज, इरफान और संतोष के रूप में हुई है। पाकिस्तानी हैंडलर पहले लोगों को कॉल करते थे और फिर उन्हें इनाम की राशि जीतने की बात कहते थे और फिर उनसे प्रोसेस फीस और टैक्स के नाम पर एक खाते में रुपए जमा करा लेते थे। आरोपितों ने पिछले 7 मार्च से लोगों को कौन बनेगा करोड़पति के नाम से लॉटरी स्कीम के जरिए ठगना शुरू किया था। लोगों से जो पैसा ठगा जाता था उसका 70% हिस्सा हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजा जा रहा था। पुलिस ने गुरुवार को इन्हें पकड़ा। पुलिस ने बताया कि ठगों का शिकार हुई नजफगढ़ की निवासी महिला ने शिकायत में बताया था कि उसको पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिला था जिसमें उसको 25 लाख लॉटरी लगने की बात कही और महिला को पाकिस्तान में राणा प्रताप से बात करने के लिए एक नंबर दिया गया। यहां बात करने पर उसको प्रोसेस फीस के टैक्स के नाम पर पैसे ठगे गए। कुछ दिन बाद महिला को बताया गया कि उनकी लॉटरी की रकम 25 लाख से 75 लाख हो गई है। उसके बाद महिला से 5-5 और 10-10 हज़ार करके कई बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपए ठग लिए गए। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट साइपैड ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप पे कौन बनेगा करोड़पति के नाम से एक लॉटरी फ्रॉड जो कि पूरे देश में फैलाया गया था, जो 2019 में काफ़ी चला था, उस पर कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को बस्ट किया है जिसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से है और उसके ऑपरेटिव्स यहाँ पे बैठ के इस फ्रॉड को करने मदद कर रहे थे। उनको आइडेंटिफाई करके उनको गोपालगंज और सिवान बिहार से अरेस्ट किया गया है। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं जिनके नाम हैं इम्तियाज, इरफान और संतोष। ये व्यक्ति पाकिस्तान में जो हैंडलर्स इनके बैठे हैं उनसे डायरेक्ट टच में थे और ये हैंडलर्स इस फ्रॉड को ऐसे करते थे कि किसी भी विक्टिम के पास कॉल आती थी कि आपको केबीसी के तहत आपके नंबर पे लॉटरी लगी है, आपको 25 लाख इनाम मिलेगा। जैसे ही वो व्यक्ति झांसे में आता था उसको कहा जाता था कि आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कीजिए, ये सारे नंबर प्लस 92 जो कि पाकिस्तान का ISD कोड है वहाँ से जनरेट होते थे और जब विक्टिम उनको कॉल करता था तो फिर अलग अलग प्रीटेक्स्ट पे, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, धीरे धीरे करके विक्टिम से वो पैसे अलग अलग अकाउंटों में जमा कराते थे। और इस तरह से हमारे जो एक केस में विक्टिम है उसने, जो नजफगढ़ की एक महिला है, उन्होंने 40 लाख रुपए 3-4 महीने के ड्यूरेशन में जमा कराए। और इस तरह से ये फ्रॉड काफ़ी कॉमन है। हमने ये पाया कि इस फ्रॉड को करने वाले लोग पाकिस्तान में बेस्ड हैं। जो टेक्निकल सर्वेलेंस हमने की और जो ओपन सोर्स की एडवांस एनालिटिक्स हमने की, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, इनकी जो IPs हैं, और उससे बहुत क्लियर लिंक हमें मिले कि पाकिस्तान बेस्ड लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे उनके हैंडलर्स हैं जो ऑपरेटिव्स हैं जो इनको इस फ्रॉड को करने में मदद कर रहे हैं। जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, व्हाट्सएप को, और जो कहानी इन्होंने बनाई KBC की, वो ऐसी हैं जिसमें आपको टारगेट चूज़ करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप सभी के पास है और KBC एक पॉपुलर एपिसोड है, सीरियल है, जो लोग देख रहे हैं, एक प्रोग्राम है, तो हर कोई व्यक्ति इसे वाकिफ है और इससे जुड़ा हुआ है, तो इजीली उसको टारगेट किया जा सकता है। और चूंकि जिन लोगों को टारगेट करते थे वो गलेबल लोग थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि प्लस 92 के नंबर कहाँ के हैं, जबकि आपको पता होगा कि प्रोग्राम के बीच में भी जो प्रोग्राम के होस्ट हैं उन्होंने भी ये लोगों को सचेत किया था कि इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, आप उससे बच के रहें। इसके बावजूद कई बार लोग जो कि सीधे साधे लोग हैं वो इस तरह के फ्रॉड के विक्टिम बन जाते हैं। और जो पैसा है वो इंडियन अकाउंट्स में जमा हो रहा था, अलग अलग अकाउंट्स में जमा हो रहा था, उनको ऐसे प्रीटेक्स बताए गए जो कि काफ़ी बिलीवेबल हैं, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, कोई पर्टिकुलर टैक्स के नाम पे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उन्होंने लिया
जिससे कि ये लोग विक्टिम बनते गए। और एक एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट जो होता है कि एक बार कुछ पैसे दे दिए तो उसके बाद एक आदमी के अंदर खुद से बनता है, अगर मैं और पैसे नहीं दूंगा तो मेरे ये पिछले वाले पैसे भी डूब जाएंगे। इस तरह करके उन्होंने ये फ्रॉड को किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एक टीम का गठन किया और जांच शुरू की। महिला ने जिन बैंक खातों में पैसे जमा कराए थे उनमें से एक खाता चालू मिला। खाते के जरिए मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तीनों युवकों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज हिंदी। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।